नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मानहानि केस में फंसे राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे, लेकिन जब से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई है, तब से वायनाड से आखिरकार कौन आगे चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं। प्रियंका गांधी के लिए कहा जा रहा है कि वायनाड से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आगे किया जा सकता है, यानी कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी को आगे किया जा सकता है। ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि वायनाड से आखिरकार प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ती हुई आएंगी, यानी कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर के अटकलें इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच आपको बता दें, प्रियंका गांधी छुट्टियां मनाने शिमला पहुंच गई हैं। शिमला के छराबड़ा स्थित अपने आवास में बीते रोज प्रियंका वाड्रा पहुंची थी। सोमवार दोपहर के समय उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी शिमला पहुंचे। दिल्ली से चंडीगढ़ तक रॉबर्ट वाड्रा फ्लाइट से आए, जबकि चंडीगढ़ से छराबड़ा वो सड़क मार्ग से पहुंचे। प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ अगले कुछ दिनों शिमला में ही रुकेंगी। प्रियंका गांधी शिमला से सटे छराबड़ा स्थित अपने आवास में ठहरी हैं। प्रियंका गांधी हर साल 3-4 बार छराबड़ा आती हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक थी। इस दौरान वो ज्यादातर समय छराबड़ा स्थित अपने आवास पर ही रुकी थी। प्रदेश में जितनी भी रैलियां उनकी हुई, वो वहां के लिए अपने आवास से ही जाती थी। प्रियंका गांधी के शिमला पहुंचते ही सरकार और संगठन में सक्रियता बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह दोपहर के समय प्रियंका वाड्रा से मिलने के लिए उनके आवास छराबड़ा गए थे। उनके साथ पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी थे। उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ सरकार के 3 महीनों के कामकाज पर विस्तार से बातचीत की और बताया कि चुनाव के समय कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी, उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। सीएम ने प्रियंका गांधी को भरोसा दिया कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। फिलहाल इस बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।